मैं अभी कटिहार मेडिकल कॉलेज में हूँ और कटिहार मेडिकल कॉलेज में भैंसबंधा के एक आदमी का ऑपरेशन हुआ है। एक मरतबा ऑपरेशन फेल हो चुका है। ये आज 18 दिन से यहाँ बिस्तर पर पड़े हुए हैं और इनका एक मरतबा जो ऑपरेशन हुआ तो और दूसरी कारणों की वजह से ऑपरेशन फेल हुआ। अब इन लोगों की स्थिति ये है कि एक मरतबा ऑपरेशन हो जाने के बाद दूसरी मरतबा इस लायक नहीं है कि फिर रुपए जमा करके स्टेशनरी वगैरह का सारा सामान खरीद सकें और दिन भर का जो दवाई की कीमत होती है उसको अदा कर सकें। ये देखिए ऑपरेशन में है, अभी तो ढका हुआ है, लेकिन इसकी हालत ये है कि अगर ये पूरा बैंडेज हटा दिया जाए तो अंदर का जो सारा सिस्टम वो पूरा का पूरा आपको नज़र आता है। इतना ख़तरनाक ऑपरेशन अब तक शायद किसी का हो। ये बुरी स्थिति वाकई बहुत भयावह है। आप ये वीडियो जो कोई भी देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि इस गरीब शख्स की जिसने अभी मर्ज़ की हालत में पूरी बीमारी में है मदद करें, जहाँ तक हो इस वीडियो को शेयर करके उन तमाम लोगों तक पहुँचाएँ जो इंसानियत के लिए हमदर्दी रखते हैं और एक इंसान की अहमियत को जानते हैं कि एक इंसान अगर ज़िंदा है तो वो कितने काम का है, और जब वो बिस्तर पे चले जाता है बीमारियों की वजह से तो उसके घर परिवार किस तरह बिखर जाते हैं। तो आप लोगों को मैं जो अपील कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसलिए कि जहाँ तक जो हो सके इनकी मदद करें। मैं इनको मदद करने के लिए वो तमाम वसाइल जो गूगल पे, फ़ोन पे और अकाउंट नंबर होते हैं मैं आपको दे दूंगा। और सुनिए उनकी बीवी की रिक्वेस्ट क्या कहना चाहती हैं। माया मेहनत सबको गरीब छे बिजना पूरे जतन जमरा जुतले चंदा उंदा कर इलाज करनो, अरे कोई सहारा नहीं छे, अरे अतला टका 70-80 हज़ार खर्चा है जुतले, अरे 60-70 हज़ार जरूरत छे, अरे पीछे पड़कर सहारा विश्वास छे। क्वेश्चन हमारे बाद है कि आवाज से आवाज सिलाई सिलाई फिर फटे ले सिलाई फटवार बाद है कि कहे हम जल की पैसा नहीं है बोलेगा हमारा की कहे चंदा उंदा करे पैसा नहीं, जहाँ तहाँ से हमारा मांगे होंगे तय वाला इलाज चला जाए वाला पैसा करने 50-60 हज़ार शोर पूरे जे पैसा तो वे कुछ कुछ तो ये थोड़ा एकदम की कहे मदद करवाते हैं बोली आगू। सवाल ये है कि वोट मांगने के लिए हर नेता हर वक्त पहुँचे रहते हैं, मजबूरियों के वक्त कोई किसी का नहीं होता है। हम अशफाक करीम को कहना चाहते हैं कि आप ही के हॉस्पिटल में ये पेशेंट पड़ा हुआ है, आपको चाहिए कि कुछ न कुछ इस तरह मदद करें जिससे इसकी घर में खुशियां आए। हम दुलाल गोस्वामी से भी कहना चाहते हैं, माननीय विधायक शकील अहमद ख़ान से भी कहना चाहते हैं कि आपके एरिया के ये पेशेंट हैं, अगर आपकी एक फ़ोन हो जाता है तो बहुत सारी मदद हो सकती है, लेकिन आप लोग